तो ये देख सकते हैं आप, ये शिष्य बैठे हैं और ये गुरु हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो लाइट शो होने से पहले आप इसके यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो भाई शो शुरू हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, और स्वागत है नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वेद वन पार्क, जो कि नोएडा सेक्टर 78 में स्थित है, उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा, और दोस्तों जो वेदों में लिखा हुआ है उसमें भी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये तो देख रहे हैं आप, ये इसका एंट्री गेट है और इसमें प्रवेश करने के 3 द्वार है, और दोस्तों इसके बाहर आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी। अभी कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो लैंडमार्क होने वाला है वो आप देख रहे हैं सामने, विंडसोर कोर्ट, ये कोर्ट इसके सामने पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें हम अंदर बताएंगे। तो दोस्तों इसमें एक खासियत और है कि आप जैसे इसके अंदर एंट्री करेंगे, जैसे आप अंदर जाएंगे तो आप लोगों को ऋषि अगस्त्य की बहुत बड़ी मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आयरन के पार्टिकल से बनाई गई है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप फाउंटेन, ये अभी बंद है, लेकिन इसमें शो होता है, जो कि रेजर लाइट शो होता है 8 बजे, और इस वजह से ये पार्क बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इस पार्क में एक एक चीज दिखाता हूँ और इस पार्क को घुमाता हूँ। और अब मैं आप लोगों को इसका आने का जो रूट है वो बता देता हूँ। तो ये दोस्तों सेक्टर 78 में स्थित है, और इसके लिए जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आपको नोएडा सेक्टर 101 पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक्वा लाइन है सेक्टर 52 के बाद में जो हम चेंज करनी पड़ती है, उसमें जो दिल्ली मेट्रो गार्ड है वो अवेलेबल एक्सेप्टेड नहीं होता है, और वहाँ से 20 रुपये का चार्ज लगता है एक्वा लाइन के लिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि कैश अपने साथ लेकर के चले। जो हिंदुज़्म के जो वेद हैं, लोग उसके इतिहास को भूल चुके हैं, तो उस इतिहास को याद रखा जा सके और एक इंटरेस्टिंग तरीके से, तो इसमें उसके लिए एक लेज़र लाइट शो का भी आयोजन किया गया है, जो कि रात में 8 बजे से होता है। और दोस्तों बात करें इस पूरे पार्क की, ये कितने मतलब स्थान में फैला हुआ है, तो ये पूरे 12 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो पूरा पार्क आप देखेंगे, ये पूरा पार्क दोस्तों 12 एकड़ में फैला हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पार्क को बनाने के लिए जो लागत लगी है वो 28 करोड़ की लागत लगी है इस पार्क को बनाने के लिए, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। और आप यहाँ पे आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री है। और ये वेदों के बारे में जानने के लिए, अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और अभी रेजर लाइट शो होने वाला होएगा, तो उसको दिखाएंगे। बाकी ये था इसका छोटा सा इतिहास। दोस्तों ये बॉल जो आप देख रहे हो, बताया जाता है कि इसमें पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र बताया जाता है कि इसमें पूरा एक ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है, गायत्री मंत्र इसमें दिया गया है पूरा। गायत्री मंत्र के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये शिष्य बैठे हैं और ये गुरु हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को चित्र दिखाया, बेसिकली वह है गुरुकुल को दर्शाता है, और बताया जाता है कि गुरुकुल में जिस तरीके के अध्ययन होता था, पढ़ाई होती थी, किस तरीके से होती थी, तो गुरु का आप मान दे सकते हैं, गुरु ऊँचे स्थान पर बैठे रहते थे और जो शिष्य हैं वो ज़मीन पर बैठे रहते थे, जिससे कि गुरु का मान ना घटे। और आज के समय आप देखेंगे कि देखते हैं कि हमारे अध्यापक खड़े रहते हैं और हम लोग बैठे रहते हैं, तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुरु को मान्यता दी जाती थी। और आपको जैसे कि पता होगा कि अपना अंगूठा भी काट कर दे दिया गया था गुरु को, तो ये होती थी गुरुकुल की पढ़ाई। और उस पढ़ाई में बहुत, आज की पढ़ाई में और उस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो गुरुकुल की पढ़ाई में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये रहती थी कि आप जो चीज़ वहाँ बनने के लिए जा रहे हैं, आप जब तक वो नहीं बन जाते, आप लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, आपको वो बना कर ही भेजा जाएगा, उस फील्ड का महारथी बनाया जाएगा। जैसे कि यदि आप चाहते हैं कि आपको तीर चलाना सीखना है, तो आपको पूरा
तीर चलाना अच्छे से सिखाया जाएगा। जब तक कि आप सीख नहीं जाएंगे तो आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। तो उस तरीके का प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी और जो भी हम पढ़ते थे उस टाइम पे वो हमसे सुना जाता था, ना कि लिखा जाता था। और आज के टाइम में क्या है कि हम उस चीज़ को लिखते हैं, अगर हम नकल मार के भी लिख लिए तो हम पास हो जाते थे, लेकिन उस टाइम पे सुना जाता था सामने खड़ा करके। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो दोस्तों ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं, घोड़े का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अश्वमेघ यज्ञ, एक यज्ञ होता था उसमें यूज़ क्या कार्य होता था इस घोड़े का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये जो आप हॉर्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बताया जाता है कि उस टाइम में इस घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, इस एक यज्ञ होता था और उस यज्ञ होने के बाद में इस घोड़े को दौड़ाया जाता था। और ये घोड़ा जिस भी राज्य से, जिस भी जगह से होकर गुजरता था, तो वो जगह उस राज्य के वो जगह उस राजा के, जो राजा, जिस राजा का घोड़ा होता था वो जगह उसके अंडर में आ जाती थी। यदि सामने वाला जो राजा है वो शिकार नहीं करता था तो फिर एक युद्ध होता था और फिर युद्ध में जीतना होता था। तो ये घोड़ा बहुत ही खास है। तो ये था दोस्तों इसका इतिहास, और भी चीज़ें हैं इसमें वो बताता हूँ। तो दोस्तों इसका इतिहास ये है कि जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनके इतिहास को जाना जाए। और ऋषि अगस्त्य की इसमें आपको एक भव्य मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि एक फाउंटेन शो होता है। और ऋषि अगस्त्य के बारे में बताऊँ तो वह एक ऐसे ऋषि थे जो बताया जाता है कि जिन्होंने जो समुद्र का पानी होता है वो अपने अंदर समा लिया था, उस पूरे पानी को पी गए थे, ठीक है, समुद्र के पानी को। और दोस्तों इस जो पार्क है, इस पार्क को बनाया है माननीय मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पार्क को बनवाया गया है। और इसका पार्क को बनवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वेदों को जाना जा सके और वेदों के बारे में पढ़ा जा सके। तो लाइट शो होने से पहले आप इसके यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखेंगे आप लोगों की भीड़ चालू हो चुकी है रेजर लाइट शो देखने के लिए। दोस्तों इस पार्क में जो आने की बेस्ट टाइमिंग है वो अगर आप 6 बजे आएंगे गर्मियों में, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा वो दृश्य देखने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ हो चुकी है। और इस पार्क को खुले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन ये पब्लिक के लिए 1 महीना हुआ है खुले हुए, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। म्यूज़िक सिस्टम चालू हो चुका है। ये मतलब दिल्ली NCR में भी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये कुछ एक नया ही बनाया गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रेजर लाइट शो, कोई स्थान अपना वहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं जिससे कि अच्छा दृश्य देखने के लिए मिले। चलिए भाई देख सकते हैं फाउंटेन शो शुरू होने वाला है। भाई क्राउड देख सकते हैं आप, बहुत भीड़ है। तो भाई शो शुरू हो चुका है। बीच में भाई ओम है, भाई क्रेज देख सकते हो आप। क्या बात है, इंडिया परंपरा
बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो भाई ये है रेजर लाइट शो। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था वेद वन पार्क का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यहाँ पे आप आ सकते हैं, वेदों के बारे में जान सकते हैं। इसमें एंट्री करने के 3 प्रवेश द्वार हैं और जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 101 एक्वा लाइन, और उसमें दिल्ली कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, वहाँ से आपको 20 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। तो डेट्स फॉर टुडे गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड।